हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ ही रागा का प्रोफेशनल D10 रिमूविंग क्रीम के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने टैन को रिमूव कर सकते हैं। समर्स के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। समर्स में सभी को टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये इस तरीके के हमें एक बॉक्स में मिलता है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये सल्फेट फ्री है, हाइड्रोक्विनोन फ्री है। ये बहुत अच्छा टैनिंग रिमूविंग क्रीम है, बहुत अच्छे से इससे टैन रिमूव हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको 6 पैक मिलते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में एक पैक में होता है, करीब 12 ग्राम आपको इसमें मिल जाता है एक पैक के अंदर। बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसे आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपना फेस वॉश करके पहले से रखा हुआ है, बस मैं कॉटन की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे फेस पे होते ही हैं, जो फेस में D10 को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्लिंजर लेंगे, क्लिंजर को भी अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। D10 को यूज़ करने से पहले क्लिंजर को यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे फेस को अच्छे से क्लीन हो सके और फेस में जितनी भी डस्ट डर्ट वगैरह है सब कुछ निकल सके। तो मेरे पास यहाँ पर कोई क्लिंजर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर मिल्क का यूज़ किया है। मिल्क का यूज़ भी आप कर सकते हैं D10 पैक को अप्लाई करने से पहले। मिल्क अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ इस तरीके के 6 पैक निकलेंगे। देन फिर हमें इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेना है, जिससे हम अपने फेस पे पैक को अच्छे से अप्लाई कर सकें। ये क्रीम कलर का प्रोडक्ट होता है और इसमें स्मेल भी होती है, काफ़ी हार्ड इसकी स्मेल होती है। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसे 2 पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से सारे फेस पे अपने अप्लाई कर लूँगी। जिस भी एरिया पे आपको ज़्यादा स्पॉट्स हैं या आपको पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसे अप्लाई करेंगे फेस पे, जिससे ये ऑब्जर्व कर सके कि टैनिंग कहाँ पर है और अच्छे से इसे रिमूव कर सके। तो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो ये एक्वा वाटर, साइट्रिक एसिड, ग्लिसरीन और कोजिक एसिड से मिलके बना होता है। कोजिक एसिड जो होता है वो आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करने में और टैन को हटाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर ये ऑयल, मिल्क, हनी, सोडियम और बहुत सारी चीज़ें, साइट्रिक एसिड वगैरह, इन सब से मिलकर बना होता है, जो आपकी पिगमेंटेशन को अच्छे से रिमूव कर देता है। कोजिक एसिड जो होता है वो आपके फेस की जो टैनिंग होती है या आपके स्पॉट्स होते हैं उन्हें लाइट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने सारे फेस पे अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लिया है। देन फिर इसे हम 10-15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है क्रीम। देन फिर हम अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और 5 मिनट के लिए हम अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज से जिससे क्रीम अच्छे से पूरे फेस में ऑब्जर्व हो जाए और टैन को रिमूव करने में हेल्प हो सके। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद मैं ये वाइप ले रही हूँ। वाइप की हेल्प से पूरी क्रीम को हम क्लीन कर लेंगे, जिससे अच्छे तरीके से ये पूरे फेस से क्लीन हो जाए और फिर उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस को क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं कि टैन कितने अच्छे से रिमूव हो गया है। वाइप बहुत अच्छे से पूरी क्रीम को ऑब्जर्व कर लेता है, देन आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा।
रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हैं। देन फिर इसे हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फेस और अच्छे से क्लीन हो जाता है, जहाँ कहीं भी आपके फेस पे अप्लाई किया हुआ है या कहीं लग चुका है या आपके हेयर्स वगैरह में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप सोच रहे हैं कि हेयर्स में लग जाए तो आपके हेयर्स गोल्डन हो जाते हैं, ये एक तरीके का ब्लीच ही क्रीम है। बट ब्लीच में क्या होता है, आपके हेयर्स गोल्डन वगैरह हो जाते हैं जो आपके फेस पर होते हैं, बट इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आपके हेयर्स ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेंगे, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपके हेयर्स पर। रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फाइनल रिज़ल्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है और ये बहुत अच्छी टैन रिमूविंग क्रीम है। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।